खबर की खासियत ये है, ऊपर का जो पत्थर दिख रहा है ना आपको, मौसम के हिसाब से इन्हें कलर चेंज होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आज आ गए पैगा टॉम्स, आज पैगा टॉम्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज हमारे साथ ख़ास मेहमान कौन है मालूम? हमारे डॉक्टर डोरेमोन साहब और हमारे मोहम्मद इकराम साहब उर्फ समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो ये दोनों का आज पहला व्लॉग है, तो चलिए चलते हैं, आज पैगा टॉम्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। ये पैगा टॉम अवेसी नगर हुसनाबाद संतोष नगर में पड़ता, और यहाँ की टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक है। ये पैगा टॉम्स शमसुल उमरा नवाब अब्दुल फतेह खान की ख़ानदानी कब्रिस्तान है, जिनका इंतकाल 1788 में हुआ था। ये मीनारे बिल्कुल पाइनएप्पल की शेप में बनाई गई है। ये जालियों की खासियत ये है कि ये हर जाली का डिज़ाइन अलग अलग है। ये बिल्कुल राजपूत और कुतुबशाही स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। ये सभी जाली गच्ची की बनाई गई है। अभी ये आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के निगरानी में है। ये कारीगरी जो देख रहे हैं ना, कारीगरी जो है ना तुर्की और ईरान के जो है ना कारीगर मिलके करे सो है कारीगरी पूरी है। कुछ दिन पहले ही यूएस के बेथ जॉनसन ने यहाँ का दौरा किया था। यूएस एम्बेसडर फंड फॉर कल्चर ने इसको रजिस्टर के लिए 2,50,000 अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। पिछले 5 महीने से आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एक्लोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से रजिस्टर का काम चल रहा है। यहाँ हर मकबरे का डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन सभी कब्र में संगमरमर इस्तेमाल किया गया है, जो ताजमहल में इस्तेमाल किया गया था। ये कब्रें नवाब अब्दुल फतेह खान बशीरुद्दौला, नवाब असमान जहाँ बहादुर सरवखार उल उमरा, इकबाल उद्दौला बहादुर, नवाब लुत्फुद्दौला बहादुर, नवाब मोइनुद्दीन दौला बहादुर, वहाब खुर्शीद झा बहादुर, बहुत सारों के कब्रें हैं यहाँ पर। ये जो खबर देख रहे हैं ना, हैदराबाद के 5वें निज़ाम की बेटी थे, खुर्शीद झा के वाइफ थे इन्हों। ये जो है ना पूरे संगे मरमर का जो ताजमहल का जो काम किया है ना शादी का, पूरा उसमें ही वर्क किया हुआ है। ये जो है ना याकूब और जमरूद के नगुने से तराशा गया है पूरा नकाशी। ये खबर जो है ना पूरी संगमरमर में बनी हुई है। जो ताजमहल जो नहीं गए हैं ना, वो यहाँ पर आके भी देख सकते हैं, और इतना खूबसूरत काम किया हुआ है इसके ऊपर। इन सभी मकबरों पर किसी पर भी रूफ नहीं है, बिल्कुल औरंगजेब के मकबरे की तरह। पैगा एक पारसी वर्ड है जिसका मतलब रैंक है। नवाब अब्दुल फतेह तेग जंग बहादुर को यह नाम हैदराबाद के निज़ाम ने दिया था। ये कब्र बशीरुद्दौला की है, इन्हीं के नाम पे बशीरबाग का नाम रखा गया है। ये जो खबर देख रहे हैं ना आप, ये बशीरुद्दौला की खबर है। ये खबर की खासियत ये है, ऊपर का जो पत्थर दिख रहा है ना आपको, मौसम के हिसाब से इन्हें कलर चेंज होता है।
फलकनुमा पैलेस, उस्मानगढ़ पैलेस, खुर्शीद पैलेस इन्हीं पैगा परिवार के द्वारा बनाया गया था। ये जो है ना अंदर इंटर सोसाइज जो है ना लेफ्ट साइड पे जो है ना इतनी प्यारी मस्जिद है, जबकि ओल्ड जमाने की बनी हुई है और इतना प्यारा हॉल है, संगमरमर का जो है ना इसमें तराशा हुआ काम भी है इसके अंदर। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।